अस्सलाम वालेकुम कोनिचिवा। अभी रिसेंटली जो है कुछ दिनों पहले ही, एक दो दिन पहले ही वाकया हुआ है हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज जो कि हमजा गिलगित में मौजूद है। एक टूरिस्टिक स्पॉट है पाकिस्तान के अंदर नॉर्दर्न एरियाज में। कुछ दिन पहले ही मैं वहाँ पे हो के आया हूँ और आई एम रियली सरप्राइज्ड कि मेरे वापसी आने के कुछ दिन बाद ही ये वाकया हुआ कि एक टूरिस्ट जो है वो उस ब्रिज से नीचे गिर गया और नीचे काफ़ी गहरा और काफ़ी विड्थ में जो बह रहा है दरिया है और काफ़ी डिस्चार्ज है उस रिवर के अंदर, और कुछ दिनों बाद ही सेट टू से डेड बॉडी भी जो है वो मिल गई है पुलिस को। तो मैं जब वहाँ पे गया विजिट किया तो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थे। मैं अपने पिछले व्लॉग में भी ये चीज़ हाईलाइट की थी जो सस्पेंशन हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज के हवाले से मैंने जो बनाया था उसमें मैंने हाईलाइट किया था कि उसकी जो डिसकंटिन्यूटी इन स्ट्रिप्स है, वहाँ पे जो वुडन स्ट्रिप्स नीचे लगी हुई हैं, काफ़ी सारा डिस्टेंस है एक स्ट्रिप से अनदर जो नेक्स्ट जो स्टेप है। तो एक तो जो है सेफ्टी फैक्टर वहाँ पे कोई नहीं रखा गया, दूसरा जो है उसकी जो साइड्स हैं वहाँ पे स्टील की सिर्फ वायर लगी हुई है। वुड यू बिलीव कि सिर्फ स्टील की वायर्स को पकड़ पकड़ के जो टूरिस्ट होते हैं वो उसको क्रॉस करते हैं और काफ़ी लंबी वो लेंथ में वो जो ब्रिज है उसको क्रॉस करना पड़ता है। उसके साथ साथ एक और जिप लाइन भी रिसेंटली इन्होंने इंस्टॉल की है। जब वो जिप लाइन से जाता है टूरिस्ट तो वापसी जो है उसको ब्रिज से ही आना पड़ता है, तो वो भी सेफ्टी फैक्टर उसमें कोई नहीं रखा गया। तो यहाँ चलो जिप लाइन से वो एक तरफ पहुँच भी जाए, दूसरी जो वापसी के लिए जो उसने क्रॉस करना है रिवर को, तो वो वही जो ब्रिज है जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था और मैं शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने वो जो ब्रिज है वो क्रॉस नहीं किया। ऑल्दो आई वाज मोटिवेटेड टू क्रॉस दैट ब्रिज यूजिंग दैट डिसकंटिन्यूअस स्ट्रिप्स। तो मैं रेकमेंड करूंगा आप लोगों को कि उस ब्रिज को तो एटलीस्ट इस सिचुएशन में कभी जो है वो ना क्रॉस करें ना पार करें। ऑल्दो उन्होंने जो है अभी फ़िलहाल के लिए सील भी कर दी है। तो अब मैं कहना ये चाहूँगा कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, गवर्नमेंट ऑफ गिलगित है, क्योंकि वो एक टूरिस्टिक स्पॉट है, वहाँ पे एक अट्रैक्टिव व्यू पॉइंट है और काफ़ी सारा रेवेन्यू भी वहाँ पे जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज में वो जो स्पॉट मौजूद है वहाँ से जनरेट हो रहा है। तो इस तरह बगैर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के, बगैर सेफ्टी फैक्टर्स को कंसीडर किए आवाम से पैसे बटोरना या अपना रेवेन्यू जनरेट करना मेरा नहीं ख्याल एक अच्छा आइडिया है। तो खुदारा इन फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए, अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को कंसीडर किया जाए, इनको प्रेफरेंस दी जाए, क्योंकि जिंदगियां ऐसे नहीं मिल जाती। काफ़ी लोगों के जो प्यारे होते हैं वो वहाँ पे आए होते हैं। तो खुदारा इन चीज़ों पे जो है वो थोड़ा सा नज़र करम फरमाएं और वो एक वो है मिसाल के सोने की चिड़िया ना समझें इन चीज़ों को, जो आपको चलें मिल भी गई हैं कुछ चीज़ें इस तरह की नेचुरल जो हमारे, क्योंकि हमारा जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है पाकिस्तानी रीजन, खासतौर पे नॉर्दर्न एरियाज। तो इनको अच्छे तरीके से हैंडल करें, इन रेवेन्यू ज़रूर जनरेट करें, फैक्ट जो सेफ्टी फैक्टर्स हैं उनको कंसीडर करें। खाली सोने की चिड़िया समझ के बगैर चिड़िया को दाना खिलाए सोने के अंडे निकालते रहें ऐसे नहीं होता। तो इन चीज़ों को ज़रा गौर से अंडरस्टैंड करें, गौर करें इन चीज़ों पे और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वहाँ पे जो हैं वो प्रोवाइड करें, मुहैया करें तमाम आने वाले टूरिस्ट के लिए, ख़ास तौर पे क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आए हैं, मौजूद हैं, उनके व्लॉग्स भी मौजूद हैं। क्योंकि आई एम ए व्लॉगर, मुझे पता है कौन कौन से व्लॉगर्स वहाँ पे मौजूद थे पहले फ्यूचर में और एक्सपेक्टेड भी थे कि आने थे, अभी क्योंकि वो सील हो चुका है तो मेरा नहीं ख्याल फ्यूचर में कोई आने वाला है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कंट्री का ही। तो इन चीज़ों पर गौर करें, जो भी गवर्नमेंट के हवाले से जो कोई भी अगर नुमाइंदा मेरी वीडियो सुन रहा है गिलगित के वाले से या पाकिस्तान के वाले से, तो इन चीज़ों पे काइंडली वर्क करें। थैंक यू।